वोट मांगते नहीं, वोट की जरूरत होती नहीं। एमपी एमएलए हगले के दादी रे हलोसा जन पचत दादी चल जाए और गांव ही चल जाओ एमपी एमएलए वास्ते। ये है देख लो यहाँ के चलो वोट वाले टाइम याद किया जाता, वोट वाले टाइम सब आ जाता है, बाकी सब कुत्ता एक ही नहीं आवे। गणी गणी है, गड़ाई पानी है कौन, जन टैंकर कहाँ भर जाए पानी, लोगों को एक एक गड़ा पानी नहीं मिल रहा है तो टैंकर कब भरा जाएगा। ये हालात है इस गांव के, सुनवाई नहीं होती वहाँ तो, सुनवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधि तो वो पीए खड़ा रहता है कि साहब है ही नहीं, अंदर होता तो फिर भी नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा, आज हम राजस्थान के बीकानेर जिले के नौखा तहसील के कमलीसर गांव में आए। यहां जनता दरबार के साथ जनता से बात करेंगे, उनका क्या कहना है और जो जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है जनप्रतिनिधियों के प्रति और प्रशासन के प्रति, यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन इनको कहा जा रहा है, प्रशासन कहते हैं हम ही है सब कुछ, और जो जनप्रतिनिधि को इन्होंने जिताया था वो यहाँ पर वापस आके संभाला नहीं, इनको ना कोई जवाब दे रहे। साथ ही साथ जनता ने जो यहाँ कंप्लेंट करेंगे उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके गांव में आपने किस प्रकार की समस्या देखते हो? समस्या मेन तो हमारे वो पानी वाली है, और तो सब चल रहा है काम। अच्छा, चलो सर, आपके नज़र में पानी की किस प्रकार की समस्या है? पानी की बहुत समस्या है सर, अभी तो कुछ थोड़ा मिल रहा है, अभी सर्दी का मौसम है तो भी बहुत पानी कम आ रहा है। अभी महीने बाद में ये समस्या पैदा हो जाएगी, जनता के पानी पशुओं के पीने के लिए इतना परेशानी होते हैं, जो पशु मरे हुए वहाँ पड़े होते हैं पानी की वजह से। ये मेन समस्या है कमलीसर की, पानी की वजह से कमलीसर गांव में पशु भी मरने के मजबूर हो गए। की नज़रों में पानी की किस प्रकार की समस्या है? पानी की बहुत समस्या है, वन टैंकर आप देख सकते हो बहुत समस्या है। आने वाले टाइम में तो और ही ज़्यादा समस्या है, पानी है कचरा पड़िया है, देखो दे ये इस्तेमाल। आप इधर आ जाना थोड़ा सा, ये देखो ये घड़ा लेके आए हैं पानी पीने के घर ले जाने, तो आपको किस प्रकार की समस्या है पानी की? गणी गणी है, घड़ा ही पानी है कौन, जन टैंकर कहाँ भर जाए पानी, लोगों को एक एक घड़ा पानी नहीं मिल रहा है तो टैंकर कब भरा जाएगा। ये हालात है इस गांव के, कोई भी प्रशासन यहाँ पर सतर्क नहीं हो रहा, एक नहीं बहुत जन लेके आए हैं यहाँ पर घड़े, वो पीछे चले गए, ये बोलेंगे, ये कह रहे हैं हमें 60 साल से यहाँ पर पानी की समस्या बता रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे, कौली सर गाँव में किस प्रकार की पानी की समस्या है? तो इसलिए हूँ तो मैं बोलूँ नहीं, आज बोलिए मैं तो, और पानी की समस्या बहुत जरूरी है, आई गड़ियों काम चला जो हूँ, और गर्मी के मौसम में मान है अभी खाली रह गया, अभी खाली रह जाए। हाँ, 4 महीनों से बंद पड़ा है, डिपार्टमेंट में ज्यादा मतलब हदू ज्यादा सुनाई करती, बाकी आता है दो तार लगा पाँच हजार का चालू है, ये 4-12 महीने हो गया, एक बार तैयार करता है नौका पहुंचता नहीं है जब तक ये खराब हो जाता है, मोटर जल जाती है, मोटर नहीं है, स्टार्टर खराब है इसका, ठीक है। हाँ, और वापस सुनवाई नहीं हो रही, डिपार्टमेंट कोई सुनवाई नहीं करता। अगर ये अगर चालू जाए कुछ पानी की पूर्ति पानी है, इरमा पानी है, ठीक है, हाँ पानी है, यहाँ पानी होते भी ये बड़ी बात सामने आ रही है, पानी होते भी। आपने सरपंच साहब कभी कंप्लेंट की इसके बारे में? हम रोजा नहीं करते हैं, वहाँ नौका जाते हैं तब बोल के आते हैं, फोन करते हैं, फोन जेन वेन ज्यादा उठाते भी नहीं है, फिर वहाँ जाके करना पड़ता है। क्या कह रहा हूँ, जैन खुद तो है जगह प्रधानमंत्री बन उड़ा है, क्यों हम ही है, दूजो है कौन है, ये अब तो ठीक है जवाब देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ये कह रहे हैं जैन अपने आप को प्रधानमंत्री समझ के बैठे हैं और हमसे ऊपर कौन है, ऊपर भी क्या है, जनता है तो पड़ी है, रोती फिर बोले जनता है, तो जनता तो कोई काम तो सुधार नहीं हो रहा है, धन पशु कदी इस खेड़िया में पड़ रहा है, हम पशु पड़ रहे हैं, तीसरा मरता मतलब पड़ रहा है जो उसको टांगे पकड़ पड़े बाहर निकालते हैं, ये टैंकर नाडी से भर के ला के रिया खेली में डलवाते हैं, ठीक है, कभी रोड़ा से लाता कभी ये टांका है जनसारिक जा, इससे पाइपों भरवा के खेली में डलवाते हैं। ये है यहाँ पर सरकारी प्रशासनों की, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कोई भी प्रशासन या एमएलए एमपी को आपने कंप्लेन करते हो? रोज जी ने करते हैं, वोट मांगते नहीं, वोट की जरूरत होती नहीं, जिन्हें एम पी एमएलए हगले के दादी रे हलोसा जन पचत दादी चल जाए और गांव ही चल जाओ एम पी एमएलए वास्ते। ये है देख लो यहाँ के चलो वोट वाले टाइम याद किया जाता, वोट वाले टाइम सब आ जाता है, बाकी सब कुत्ता एक ही नहीं आवे। ये बहुत आईने की तरह सामने दिख रहा है, आने के बाद एम पी एमएलए को बोलो कि एक ही दिन गांव की कोई सुनवाई, कोई पूछा कि कहीं समस्या गांव में, कोई जन सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, कोई जनता दरबार नहीं लगा, कोई जनता वो भी कूक भोग रहा है, ज्यादा कर तुम्हारे ट्रांसपोर्ट है यार भी वहाँ के नौका मंडी तय है, आगे जनता की जाने की कौन, बस इस गांव में थोड़ी शिक्षा का स्तर कमजोर होने की वजह है, नहीं अनपढ़ है सब, अगला अंगूठे साहब है, ठीक है। काका कहीं कह रही हूँ मान गांव में है तो जागृत कोई आदमी कौन है,
नौके ताई जावा नौके कोई नहीं सुनाई करे बीकानेर ताई पहुंचा वहां पे इतने वहां के मानते अल्लाह है जा नहीं सका। वो तो बात इनकी बात सही है और यहाँ पे जागरूकता की वजह से अभाव है, लेकिन कोई भी सरकारी योजना आती है तो भी नहीं पहुँच पाती है क्योंकि जागरूकता नहीं है और ना यहाँ कोई शिक्षा स्तर। हालांकि अब थोड़ा बहुत जागरूक है, इस पिछले कुछ 5-7 सालों में बच्चों को स्कूल जाने लगे, लेकिन पहले के स्तर देखा जाए यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, किसान है, ये समस्या दिखाई दे रही है ज्यादातर। कभी तो वो कंप्यूटर ये बंद पड़ा है स्कूल का, वो नहीं चल रहा है, इससे सारी व्यवस्था मतलब ठप हो गई हुई है। और बच्चे भी मतलब कोई काम करे और करे, कोई कोई फार्म और भरे तो बाहर से भरना पड़ता है, स्कूल में ई स्कूल बाहर भरने पड़ते हैं, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। 12th क्लास का मैं स्कूल का जाके भ्रमण करेंगे और देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे और टीचरों से बात करेंगे। और आपकी नज़रों में कोई समस्या है जो गाँव को अगर पूरी हो जाए, विकास कर सके, गांव का विकास बढ़ सके, गांव एक बराबर खड़ा हो सके दूसरे गांव के? एक ये मतलब जकी ये किसाना का पैसा आता है, ठीक है, तो एक जने के तो मतलब डबल किस्ती आ गई और कई के दो दो साल में एक भी नहीं आई है, ये क्या समस्या? ये कौन सा मैटर बता रहे सरपंच आपको को तो बन जान? किसान निधि योजना, किसान निधि योजना में जो 6-6 हज़ार रुपये साल में मिलते हैं ना उसके लिए, अरे एक वो 13-13 हज़ार रुपये जो अकाल रात के लिए मिले थे ना काल को, वो नहीं मिले किसी को, आधो को मिल गया आधो को नहीं मिले किसी को, मिले नहीं आपको नॉलेज इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा? हाँ सर आप बताइए। ये जो खाद बीज के पैसे आ रहे किसानों के हर वर्ष आते, जैसे इस माह में आते, अभी कई लोगों के तो आगे जो है ना 8 बीघा से कम आते हैं ना लघु कृषक आते, उनके तो आगे जो बड़े कर सके उनके एक के भी नहीं आए। कोई गाइडलाइन बताई या कोई टर्म और कंडीशन? नहीं इसकी कुछ नहीं बताई, पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी कह रहे हैं कि आपके आ जाएंगे। कैसी सी बनी हुई नहीं, उसमें किसी का कृषि वो बीमा आ गया क्लेम का, किसी का आया ही नहीं है, ये भी एक लंबी प्रक्रिया के तहत मैनेजर के पास जाते हैं, कभी बोलते हैं आ जाएगा, पीछे से आएंगे वो इस तरह के, 100% किसान है उसे 50% आ गए और 50 का अभी तक वो क्लेम नहीं है। तो आप किसके पास गए थे कंप्लेंट करने के लिए? मैनेजर के पास गए थे। इसके बाद ऊपर कहाँ गए थे? मैनेजर बोला कि हमारे पास तो है ही नहीं, ऊपर से आएंगे, अब ऊपर से हमें पता नहीं कहाँ जाना है। तो आप जनप्रतिनिधियों को MLO MP को किसी को सरपंच साहब को बोला? वहाँ तो सुनवाई नहीं होती, वहाँ तो सुनवाई नहीं होती है, जनप्रतिनिधि तो वो PA खड़ा रहता कि साहब है ही नहीं, अंदर होता तो फिर भी नहीं मिलता है, सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती, ये कह रहे हैं साहब अंदर होते तो भी नहीं मिलता, ये बहुत गलत बात है। तो और इधर कुछ वादे भी करके गए थे MLA साहब। क्या वादे किया? 6 महीने पहले इधर ग्राम सभा रखी थी, उसमें स्वागत समारोह रखा गया था बिहारी लाल जी का, उस समय गांव के लोगों ने 3 मुख्य मांग रखी थी इस गांव की, एक पानी की टंकी की मांग रखी थी, एक यहां से ब्याहों तक ग्रेवल सड़क बनाने की, और एक पानी की समस्या ट्यूबवेल की, तीनों का उसने आश्वासन दिया था। एक इधर अमर शहीद है भगवंत सिंह जी, उसकी मूर्ति के लिए उनने 2.5 लाख रुपये का अंशदान देने का कहा था, अभी तक उसका कुछ समाधान नहीं। उसके पास जाते तो बोलते हमारे पीछे से बजट नहीं आया, कोटा नहीं आया, आने के बाद दिया जाएगा, ये समस्या। ये बहुत बात है, और शहीद वाली तो शायद तक स्कीम वो आ जाएगी, शहीद वाली तो कंप्लीट हो गई। आप अगर कागज है तो कल ही अपन कौन सा दो आपको शहीद वाली, तो घोड़ा में ट्यूबवेल की मेन समस्या अपने आ रही है, इसका वादा करके गए थे वो। नहीं एक कमली सर के लिए अलग अलग, हाँ नहीं रोडा गांव में कमली सर के लिए अलग हो, ओनली फॉर कमली सर को पानी दे वो ट्यूबवेल, तो ये गांव पूरा पानी पूर्ति हो सके, वो मिनिमम जरूरत है उतना होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, यही हम मानते हैं। चलो कलेक्टर महोदय आपको ये कोई मैसेज देना चाहते हैं, ये कहते हैं कलेक्टर महोदय को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप बोलिए क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मैं आपसे इस गांव की एक विशेष आग्रह करता हूँ कि इस गांव में लंबे समय से एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इधर पानी है लेकिन उसमें फ्लोराइड की मात्रा से वो पीने लायक पानी नहीं है, रोडा से सप्लाई आती है और गर्मी के किल्लत के चलते यहाँ पीने के लिए पशु पक्षियों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा, यहाँ से नौका लगभग 10 किमी दूर पड़ता है, वहाँ से हमें टैंकर मंगवाना पड़ता है, उनका वो मन के मांगे पैसे लेते 500-1000 रुपये, ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी सबसे बड़ी ये समस्या यहाँ के लोग जो NFA से खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उनके पात्र लोग है वो भी आज वंचित है, यहाँ पर लगभग 200 से 250 ऐसे राशन कार्ड है जो बंद पड़े, वो लोग पात्र है लेकिन ऑनलाइन करते उनका रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पात्र नहीं है, फिर भी वो अभी पात्र है, उनका एक बार का भी राशन चालू नहीं हो रहा। ये बात बहुत बड़ी बात है, जरूरतमंदों को कोई भी राशन या कोई भी योजना नहीं मिलती, लेकिन जो जिसको और जो इसके बाद हो सकता है पूर्ति है उनको योजना मिल जाती है, यही समस्या बड़ी आ रही है। या मैं अटल सेवा में कौड़ी सर बैठता हूँ, यहाँ से राशन कार्ड ऑनलाइन करता हूँ, वैसे जो पात्र है
वो भी रिजेक्ट कर दिया जाता पंचायत समिति से एसडीएम ऑफिस से वैसे कि ये अपात्र है। अच्छा, जो पात्र है वास्तव में वो भी अपात्र माने जाते हैं। लेकिन अगर एमएलए एमपी कोई भी प्रशासन अधिकारी देख रहा है तो उनसे निवेदन करूंगा, कलेक्टर महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार रात्रि चौपाल इस गांव में लगाइए। निवेदन कर रहा हूं, इस गांव वालों की निवेदन है और मेरा भी निवेदन है, क्योंकि आपको रूब रूब होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं वो तो शायद तक वोट के लिए करते हैं, लेकिन आप एक बार ध्यान दें इस गाँव की तरफ और बारीकी से नोट करें जो इन्होंने कहा है।